हेलो स्टूडेंट्स आई एम गुरविंदर कौर फैकल्टी एट अभिमन्यू आई एस ए वेरी वोम वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन स्टूडेंट अभिमन्यू आई एस जो इस ट्राई सिटी का ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है सिंस 1999 और स्टूडेंट दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर आई ई एस एंड पी सी एस प्रिपरेशन स्टूडेंट्स तो आज यहाँ पर स्टूडेंट हम पी सी एस एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो हमारे मेन्स की टेस्ट सीरीज चल रही सीरीज चल रही है जिसमें हम मेन्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ठीक है थीके? जिसमें हमने ऑलरेडी टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी के क्वेश्चन जो है, वो हैं वो ऑलरेडी हमने कवर कर दिए हैं जी एस के फिर हमने किसके कवर किए थे टू थाउजेंड एटीन का और उसमें भी स्टूडेंट हमने पेपर नंबर वन एंड टू ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके you know, uh, हैं एंड स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा यू you नो know, बहुत ही थैंकफुल हैं एंड बहुत ही ज़्यादा यू नो उनको गाइडेंस यहाँ पे बहुत अच्छी प्रोवाइड हो रही है एंड स्टूडेंट्स uh, मेरे को मैसेज भी करते हैं कि मैम ये सीरीज़ जो है प्लीज़ आप इसको कंटिन्यू रखिए बिकॉज ये हमें बहुत हेल्प कर रही है फॉर द प्रप्रेशन ऑफ मेन्स ठीक है ओके ओके तो आई होप कि ये आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी नोटिफिकेशन जो है वो हमारी आउट हो सकती है एनी टाइम फॉर द पंजाब सिविल सर्विसेज काफ़ी लंबा टाइम हो गया स्टूडेंट्स को वेट करते हुए यहाँ पे ठीक है बट हाँ प्रिपरेशन जो है उसको तो हमें रखनी करनी ही करनी है राइट right? तो यहाँ पे स्टूडेंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस टाइम वो करने वाले हैं पेपर नंबर थ्री स्टूडेंट 2020 के जो मैंने पेपर डिस्कस किए थे वहाँ पे मैंने सिलेबस साथ में मेंशन किया था हर एक पेपर का चाहे फिर वो पेपर वन था टू था थ्री था फोर था यहाँ पे मैं सिलेबस डिस्कस नहीं कर रही बिकॉज मैं ऐसा बिलीव मान के चल रही हूँ कि हाँ जी आप सबको ऑलरेडी सिलेबस जो है वो पहले से ही पता है जी पेपर वन टू थ्री फोर का ठीक है अगर नहीं पता देन इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग थिंग ठीक है कि आपको सिलेबस का ही नहीं पता और प्रिपरेशन तो आप फिर क्या ही करोगे है ना तो स्टूडेंट सिलेबस हमेशा अपने पास रखिए इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द पंजाब सिविल सर्विसेज ठीक है ओके ठीक है स्टूडेंट तो पेपर समझते हैं स्टूडेंट यहाँ पे पेपर समझने के लिए सबसे पहले हम पी ओपन करते हैं ठीक है जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट मैं यहाँ पे पी ओपन कर देती हूँ एंड आफ्टर दैट हम उसको डिस्कस करते हैं वेट हाँ जी स्टूडेंट्स तो ये आपके सामने पेपर ओपन हो कर दिया है मैंने पेपर ओपन कर दिया है यहाँ पे जीएस पेपर थ्री ठीक है जी पेपर थ्री है 2018 का पेपर है मार्क कितने हैं टोटल आपके पास मैक्सिमम मार्क्स टू मार्क्स है 250 मार्क्स है ठीक है अच्छा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करो तो टोटल तो 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 आपके पास 15 क्वेश्चन है स्टूडेंट यूपीएससी में आपके ट्वेंटी आते हैं यहाँ पे फिफ्टीन क्वेश्चन है ठीक है अच्छा तो समझते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन को तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा गवर्नेंस पे स्टूडेंट तो इसका मतलब जो टॉपिक आपको कवर करना है जीएस पेपर वन में सॉरी तो, थ्री में वो पहला टॉपिक कौन सा है आपका गवर्नेंस गवर्नेंस से स्टूडेंट यहां पे क्वेश्चन पुट किए गए हैं आपसे ठीक है ओके गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए कहता था ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आर द की टू सक्सेस गुड गवर्नेंस बिल्ड योर केस फॉर और अंगेस्ट इट ठीक है ये जो है ये क्वेश्चन है हमारे पास ओके आई थिंक सो सोके ये जी एस पेपर टू है स्टूडेंट ना कि थ्री है हाँ ये टू है थ्री पे चलते हैं ना हाँ ये तो उस दिन डिस्कस हो गया था हमारा लास्ट वाला तो थ्री पे आते हैं स्टूडेंट ठीक है सॉरी इट्स माय मिस्टेक ठीक है वो टू की जगह पे मैंने थ्री uh, उसको रीड कर लिया था दिस इज अवर जी पेपर थ्री ठीक है तो जी पेपर थ्री पे आते हैं स्टूडेंट हमारा वही आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन वही है आपके ठीक है फिफ्टीन टोटल मार्क्स कितने आपके मैक्सिमम uh, मार्क्स आपके टू हैं तो देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे हम क्वेश्चन को तो क्वेश्चन पढ़ते हैं ठीक है क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पॉलिटी से ठीक है पॉलिटी के क्वेश्चन हैं स्टूडेंट हालांकि आपको पता है पॉलिटी जो है वो यहाँ की जो हमारी सीनियर फैकल्टी हैं सार्थक सर वो करवाते हैं ठीक है बहुत ही अच्छे से ठीक है तो आ, वही हमारे सोर्स है सेम जो हमारे प्रीलिम्स के हैं बस थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना होता है ठीक है तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन अच्छा पहला ही क्वेश्चन पढ़िए कहता है क्रिटिकली एक्सप्लेन द फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स One second. Student, one second. हाँ, अब देखते हैं। कहता है 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 है, जब बात की आती इसका मतलब मतलब क्या होता है, student? आपको उसको explain करना है, मतलब कि आप उसको उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज हर चीज आप उसमें मेंशन करो ये नहीं है कि आप हर चीज के एडवांटेज डिसएडवांटेज ठीक है उसके पॉजिटिव साइड पॉजिटिव एक्सपेक्ट एस्पेक्ट्स नेगेटिव एस्पेक्ट्स ठीक है और फिर अपने सुजेशंस ठीक है ये हर चीज़ आपको देनी होती है यहाँ पे कुछ ना वर्ड होते हैं स्टूडेंट जिस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत होती है जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा हो डिस्कस ठीक है अभी यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है क्रिटिकली यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे वर्ड क्या लिखा उसने सेकेंड नंबर वर्ड पे आप ध्यान दो क्वेश्चन पे क्या उसने आंसर वो लिखा है क्या लिखा है एक्सप्लेन एक्सप्लेन लिखा है स्टूडेंट उसने कि एक्सप्लेन करना है थर्ड पे क्या लिखा है डिस्पाइट फोर्थ पे आप ध्यान दो डिस्क ठीक है हर बार वो क्वेश्चन का अलग सेंस से वो क्वेश्चन पुट कर रहे हैं कई बार क्या होते बच्चे बोलते हैं मैं बहुत अच्छा आंसर अच्छा अच्छा लिख के आया था मैम बट मेरे को नंबर नहीं मिलती उतने ज्यादा प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट आप क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन सही दे रहे हो नॉलेज आपकी सही है तो नॉलेज तो बहुत है मेरे पास क्वेश्चन मैंने बहुत सही से लिखा बट फिर भी मेरे को नंबर नहीं मिले प्रॉब्लम इज दैट स्टूडेंट कि उसने क्वेश्चन नहीं देखा कि वो क्वेश्चन किस सेंस में पूछ रहा है सेंस सेंस वर्ड जो है ना वो बहुत यहां पे यू नो इंपॉर्टेंट है सेंस क्वेश्चन किस सेंस में पूछा उसने अगर वो कह रहे हैं डिस्कस करने के लिए तो आपको डिस्कस करना है क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम हर चीज को कि हाँ जी ये चीज है इसके ये इसके बेनिफिट्स होंगे ये आगे चलकर जो है इसके इन फ्यूचर ये रहेंगे ठीक है कुछ आप एडवाइस दे सकते हो उसके अंदर ठीक है तो दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कि उसके अंदर की वर्ड्स क्या क्या है अच्छा दूसरा उसने बोल दिया क्रिटिकली अब क्या है स्टूडेंट अब आपको उसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स ज़रूर लिखने हैं उसके है ना पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट एडवांटेज पूछिए डिसएडवांटेज है वो टोटली uh, डिपेंड totally करते हैं क्वेश्चन कैसे है ठीक है अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट जो है मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल सुप्रीम कोर्ट जो है वो डे टू डे क्या करता है कभी कभी वो क्या करता है बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर इंटरफेयर करता है अलग अलग लॉज पास करके है ना जैसे आपने देखा होगा राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट right है ये हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बताया फिर जैसे ग्रीन क्रैकर्स को लेकर है कि हाँ जी हर जगह पे जो क्रैकर्स है दिवाली के टाइम पे वो ग्रीन होने चाहिए मतलब कि वो पोल्यूशन फ्री होने चाहिए अच्छा फिर एक बार आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया कि जो लिकर शॉप है ठीक है वो हाईवे पे ना हो के हाईवे से कुछ दूर दूरी पे होनी चाहिए ठीक है अब आप मेरे को बताओ कि हमारे पास तीन मेन पिलर हैं है ना? हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो यू नो पावर्स दिए वो तीन मेन पिलर्स को दिए यहाँ पे एक हमारा लेजिस्लेचर एक सुप्रीम कोर्ट और एक हमारा एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट का काम है रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना एग्जीक्यूटिव का काम है इंप्लीमेंट करना और तीनों एक दूसरे को क्या करते हैं यहां पे सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट लगता है ठीक है बट हां तीनों एक दूसरे पर तीनों इंटरडिपेंडेंट हैं नो डाउट अबाउट दैट ठीक है no बट हां कुछ तक यहां पे सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट लगता है बट आप ये देखिए स्टूडेंट कि लॉ बनाने का काम है लेजिस्लेचर का बट बना कौन रहा है यहां पे सुप्रीम कोर्ट तो वो ओवर पावर कर रहा है किसको लेजिस्लेचर को तो अगर यहाँ पे वर्ड क्रिटिकल आया हुआ है एग्जामिनेशन एक एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि क्रिटिकली आप बताइए क्रिटिकली डिस्क्राइब द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ठीक है एंड देन ही पासिस सच जजमेंट्स लाइक ग्रीन कैक क्रैकर्स एंड यू नो लिकर शॉप डिस्टेंस ठीक है तो इस पर आपका क्या कहना है ठीक है इसको क्रिटिकली आप एग्जामिन कीजिए अब स्टूडेंट अब आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि हाँ जी कि जो सुप्रीम कोर्ट है नो डाउट अबाउट दैट कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है वो इस बात को इंश्योर करता है कि जो भी लॉ बन रहा है वो क्या बने अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन बने है ना चेक एंड बैलेंस वहां पे भी है बट लॉ बनाने का जो मेन पावर है वो हमारी किसके पास है लेजिस्लेचर के पास है बट यहां पे सुप्रीम कोर्ट ओवर पावर हो रहा है तो इसकी आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों डिस एडवांटेज इसकी क्या है कि टाइम टू टाइम जो सुप्रीम uh, कोर्ट है वो ऐसी वर्डिक्ट देकर हमारी क्या कर रहा है कंट्री को एक तरीके से क्या कर रहा हैल्प ही तो कर रहे हैं वो है ना कि पोल्यूशन नहीं होना चाहिए वो इन्वायरमेंट को सेव करने में कंट्रीब्यूट कर रहा है है ना वो इतनी बड़ा आ, 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 उसका एक यू नो उसके पास एक पावर है वो अपनी पावर को एक अच्छे सेंस में यूज कर रहा है ठीक है लेकिन यहाँ पे एक डिसएडवांटेज ये भी है स्टूडेंट कि यहाँ पे जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है जो हमारा फेडरलिज्म है ठीक है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे हर्ट हो रहे हैं क्योंकि लॉ बनाने का मेन काम लेजिस्लेचर का है ना कि सुप्रीम कोर्ट का है ठीक है तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन किस सेंस में पूछा है ये पता होना चाहिए आपको डिस्पाइट क्रिट डिस्कस क्रिटिकली ये एक्सप्लेन ये वर्ड आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से क्या सेंस बन रही है भाई क्वेश्चन की ठीक है बिना सेंस के आपके पास इनफॉर नो डाउट अबाउट दैट स्टूडेंट एक बात क्लियर कट है कि जिस बच्चे ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है इसका मतलब ये है कि उसके पास वो कहीं ना कहीं उसके पास नॉलेज है अच्छी खासी है न तभी वो पहली स्टेज क्रैक कर पाया जो सबसे डिफिकल्ट है तो अगर वो आया है यहाँ तक तो इसका मतलब नॉलेज तो उसके पास होगी है ना ठीक है नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे देखो अच्छा क्वेश्चन में कहता है क्रिटिकली एक्सप्लेन द फाइनेंशियल रिलेशनशिप्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द फोर्टीन फाइनेंस कमीशन आपको पता है फोर्टीनथ फाइनेंस कमीशन ठीक है उसके बाद फिफ्टीन आया ठीक है ओके okay. नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको पता है अब हमारे बैंक ऑफ द बैंक कौन है रिजर्व बैंक है राइट right? सारे बैंक्स को कौन कंट्रोल करता है हमारा आरबीआई कंट्रोल करता है ठीक है अंडर द प्रेजेंट से फाइनेंशियल रिजीम कंपेयर टू द रिजीम प्रायर टू द डिमोनीटाइजेशन डीमोनेटाइजेशन से पहले और आर डीमोनिटाइजेशन होने के बाद आरबी की यहाँ पे प्रायोरिटी पे वो क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन करने में उस सेंस में वो एक्सप्लेन करने के लिए वो बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन है डिस्पाइट द सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस द स्टेट्स ऑफ द फार्मर हैज नॉट चेंज डी डिस्कस द रीजन फॉर द फेलियर आपको भी पता है स्टूडेंट बहुत सारी सब्सिडीज मिलती किस किस पे मिलती हैं फर्टिलाइजर्स पे मिलती हैं है ना और किस पे मिलती हैं पेस्टिसाइड्स पे मिलती हैं इंसेक्टिसाइड्स पे मिलती हैं सीड्स पे मिलती हैं राइट right? सब्सिडीज मिलती है ना मिनिमम सपोर्ट प्राइज इस टाइम पे एम जितना न्यूज़ में है स्टूडेंट फार्मर प्रोटेस्ट जो चल रहा है वो किसके लिए चल रहा है एमएसपी के तो लिए चल रहा है तो है ना एम एस पी इज नॉट अ लीगल स्टूडेंट ये गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ एक जो हमारी जो जो हो हमारी ए पी एम सी मंडीज हैं ठीक है ये सिर्फ और सिर्फ उनको एडवाइस देती है कि हाँ जी ये जो प्राइस है ये गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट कभी भी लीगली कभी भी इस चीज को इन्श्योर नहीं करती कि हाँ जी हम हर बार जो है वो हम एमएसपी एम एस डिक्लेयर करेंगे ठीक है ऐसा गवर्नमेंट ने कहीं पे भी लीगली इंश्योर नहीं कर रखा और फार्मर्स की यही डिमांड है कि जो एमएसपी है वो लीगली श्योर sure होना चाहिए मतलब कि लीगल वे में उसको श्योर sure करना चाहिए कि हाँ जी आपको ये एमएसपी मिलेगा ही मिलेगा ठीक है क्योंकि एक मिनिमम प्राइस होना एक कमर्शियल क्रॉप का बहुत ज़रूरी है अदरवाइज़ क्या होगा उसके प्राइजेज़ एकदम से ड्रेस्टिकली रिड्यूस हो जाएंगे या मान लीजिए मार्केट के अंदर डिमांड नहीं रही या मान लीजिए आपके अंदर पूरा काला बाज़ारी ने जो है आपको भी पता है काला बाज़ार क्या चीज़ है अगर उन्होंने एक पूरा यू नो अपना एक ऑर्गेनाइज़ बना के और फिर उन्होंने अगर मान लीजिए प्राइज़ को क्या कर दिया वहीं पर ठप कर दिया उससे ज़्यादा उन्होंने प्राइज़ बढ़ाए ही नहीं मार्केट में तो क्या होगा स्टूडेंट्स फार्मर्स की इनकम क्या हो जाएगी बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी और एक ऐसा टाइम आएगा कि जितने भी हमारे मार्जिनल फार्मर्स हैं या जितने भी हमारे छोटे फार्मर्स हैं उन सबको क्या हो जाएगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा क्योंकि आप कितना टाइम यू you नो know, आप घाटे में जाकर खेती करोगे है ना नहीं कर सकते ना फार्मिंग तो उसी पे यहाँ पे क्वेश्चन है कहता है इतना होने के बावजूद भी हमारे फार्मर्स की जो कंडीशन है वो अभी तक चेंज नहीं हो पा रही है क्यों नहीं हो पा रही है इसका पीछे का रीज़न आपको पता होना चाहिए ना? आना, आना, aspect, है ना हर एस्पेक्ट को आप यहाँ पर वो कीजिए पुट ऑन कीजिए जैसे कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट है ना पॉलिटिकल रीज़न भी तो है ठीक है फिर सोसाइटिकल सोसाइटी के रीज़न भी हैं ठीक है जिनके पास ज़्यादा लैंड है ठीक है जिनके पास कम लैंड है कंडीशन कैसी हैं ठीक है इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज देखिए आप बहुत इम्पैक्ट कर रहा है टाइम पे रेनफॉल हो नहीं रही है और जब रेनफॉल की ज़रूरत नहीं है तब रेनफॉल हो रही है है ना अभी आप पीछे से देखिए तीन दिन तक पंजाब के अंदर क्या कंडीशन रही इन्वायरमेंट की कहीं पे ओले पड़ गए कहीं पे बहुत यू नो you know, बहुत भारी बारिश हो गई है और अभी आप देखिए वीट जो हमारी है वो बहुत अच्छे से ग्रो होकर रेडी हो चुकी है राइट right? ये सर नो सो so, समझ इस बात को नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पंजाब हमारी किस पे पूछा है हमारी पंजाब इकॉनमी पे पूछा है क्या पूछ रहा है ये कहता द पंजाब इकानमी हैज़ फेल्ड टू रिमेन कॉम्पिटिटिव विद अदर डेवलप्ड स्टेट डू यू अग्री विद दिस कहता है जो पंजाब की जो इकॉनमी है वो फेल हो गई है बाकी अपनी हमारी बाकी डेवलप्ड स्टेट के कंपेरिजन में ठीक है कॉम्पिटेटिव नहीं रही वो ऐसा क्यों क्या रीज़न लगता है स्टूडेंट आपके पास कोई बता सकते हैं मुझे इससे क्योंकि स्टूडेंट पंजाब जो है वो एग्रीकल्चर डोमिनेट स्टेट है तो यहां पे क्या है मेन प्रॉब्लम इज दैट कि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत कम लग पाई ठीक है और भी बहुत सारी रीजंस हैं ठीक है माइग्रेशन एक बहुत बड़ा रीजन है ठीक है टुअार्डस कैनेडा अमेरिका लंडन राइट नेक्स्ट देखते हैं हाउ डज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वर्क अब देखो इसने यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन पुट करता है पंजाब वेट्स फॉर पंजाब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे आपको बस सिर्फ आर्टिकल लिखना उसकी डिसएडवांटेज नहीं क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से. क्या रहा है? कहता है सिंपल आपने आंसर देना उसका सीधा लिखना है डी क्या सिस्टम है ठीक है पी डी एस पी डी एस सिस्टम क्या चीज है ठीक है ठीक है कौन करता है कौन बॉडी इसको रेगुलेट कर रही है मेन इसका काम क्या है बस यही चीज़ लिखनी है इसके अंदर और आप यहाँ पे अब कहानी लेकर बैठ जाओ कि पी डी एस सिस्टम जो है वो इंडिया फेल हो चुका है ये हो गया है वो हो गया है तो अगर आप ऐसा लिखने बैठोगे फिर तो मतलब आप अपनी यहाँ पे नॉलेज को वेस्ट कर रहे हो क्योंकि नंबर तो नहीं मिलने वाले सेवन देखो डू यू थिंक इकोनॉमी इन इक्वालिटी इज़ वन ऑफ द अनडिज़ायरेबल आउटकम्स ऑफ द लिबरलाइजेशन इन द इकॉनमी इंडियन इकोनॉमी आप देखिए इंडिया के पा इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है तो 90 परसेंट पैसा जो है स्टूडेंट इंडिया का वो किसके पास है सिर्फ टॉप 10 परसेंट लोगों के पास 90 परसेंट पैसा तो आप सोचिए कि कितना ज्यादा अन है इंडिया के अंदर क्योंकि जो रिच है वो और ज्यादा रिच होता जा रहा है और जो पुअर है वो और ज्यादा पुअर होता जा रहा है क्यों क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है बिकॉज पुअर जो है पर्सन वो पुअर और क्यों होता जा रहा है क्योंकि लैक ऑफ़ एजुकेशन लैक ऑफ हेल्थ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लैक ऑफ पॉलिसीज़ वेलफेयर पॉलिसीज लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है ना किसी पर्सन को अगर आप एजुकेशन नहीं दोगे स्टूडेंट आपको लगता है कि वो कितने परसेंट चांसेस है कि वो पॉवर्टी से कभी बाहर आ सकते हैं बिल्कुल भी चांसिस बहुत कम चांसेस है फाइव टू टेन परसेंट चांसेज हैं इफ़ ही और शी इज मतलब इनफ लक्की गॉट लक्की ठीक है कि हांजी वो किसी तरीके से जुगाड़ पानी लगाकर वो uh, मतलब यू नो रिच हो जाए अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है एक पुअर पर्सन है अगर मान लीजिए उसको एक अच्छी एजुकेशन मिलती है उसको एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिलती है उसके पास रहने के लिए घर है तो चांसिस 80 टू 90 परसेंट इंक्रीज हो जाते हैं स्टूडेंट किल गेट आउट ऑफ पॉवर्टी ठीक है एंड सेकेंड थिंग पॉलिटिकल हमारी विल ठीक है अंबानी जो है अंडानी जो है इन्हीं के पास सारा पैसा चलता जा रहा है इन्हीं को सब टेंडर्स मिल रहे हैं आप बाकी को अपॉर्चुनिटीज ही नहीं दे रहे है ना तो दैट मे ऑल्सो लीड टू द इनइक्वलिटी नेक्स्ट है डू यू थिंक जी एस टी हैज फैसिलिटेटेड द इंडियन बिजनेस इन्वायरमेंट हाँ जी जीएसटी पे क्वेश्चन पुट किया क्योंकि उस टाइम पर यह लागू हुआ था फिर जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं स्टूडेंट इंटरनेशनल रिलेशन से किससे स्टार्ट हो रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन स्टार्ट हो अब आपको इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए ठीक है ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तो तीन टॉपिक अब तक हम हमारे सिलेबस में हो गए पॉलिटी गवर्नेंस एंड थर्ड वन इज अवर इंटरनेशनल रिलेशन क्वेश्चन यहाँ पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कोरिडोर से उसने क्वेश्चन पुट किया आपको पता होना चाहिए कि दिस इज अवर इंडिया और यहाँ से जो हमारा पीओ के जो रीजन है वहाँ से हमारा क्या निकलता है स्टूडेंट चाइना पाकिस्तान कोरिडोर निकलता है चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर निकलता और इंडिया जो है वो इस टेरिटरी पे क्लेम करता है क्योंकि इंडिया की ये टेरिटरी है वो तो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखी है राइट right? ये जम्मू कश्मीर की टेरिटरी है जिसको हम पी कहते हैं ना तो ये जो टेरिटरी है वहाँ से कोई अदर कंट्री अगर अगर, अगर अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर पास कर रही है तो इंडिया को डेफिनेटली उस पर ऑब्जेक्शन होगा ठीक है तो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर व्हाट व्हाट आर इट्स इंप्लीकेशन ऑन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया होगा क्यों नहीं बिल्कुल होगा स्टूडेंट बिल्कुल यहां से अगर कोई कंट्री का हमारे इकोनॉमिक कॉरिडोर निकल रहा है तो ऑब्वियसली यहां पे वेनरेबिलिटी क्या होती है बढ़ जाती है सिक्योरिटी थ्रेट डायरेक्टली है है ना है कि नहीं बिल्कुल है नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट अभी उसने शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोला यहां पे इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑल्सो मैंशन द चैलेंज लिंकड विद बॉर्डर मैनेजमेंट फॉर इंडिया पर्टिकुलर व्यू ऑफ द लॉन्ग पोरस बॉर्डर इंडिया शेयर्स विद पाकिस्तान बांग्लादेश एंड चाइना अगर आप बॉर्डर देखो स्टूडेंट तो जो हमारा पाकिस्तान के बॉर्डर है वो तो फिर अभी काफ़ी सिक्योर हैं काफ़ी हमने बॉडर मतलब काफ़ी ज्यादा हमने कांटों की तार ठीक है और काफ़ी कुछ हमने जो पिल्लर्स वगैरह कर रखे हैं बना रखे बट अगर आप चाइना के साथ बॉर्डर देखो तो काफ़ी ज़्यादा पोरस है हमारा बांग्लादेश के साथ भी ऐसा ही है ठीक है पोरस बॉर्डर है जो आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा क्या हो सकता है स्टूडेंट हमारे लिए हमें सिक्योरिटी थ्रेट भी दे सकता है वो हमें यसरनो ठीक है जी तो इस तरीके से स्टूडेंट आप क्वेश्चन को कर ले जा सकते हैं बड़े आराम से ठीक है क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट मुश्किल नहीं है बस नीड है आपको प्रैक्टिस की किसकी नीड है प्रैक्टिस की तो एक चीज यहां पे समझिए स्टूडेंट आप यहां पे जो आपको सबसे ज्यादा नीड है दैट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस जो है ना वो स्टूडेंट आपकी यहां पे हेल्प करेगी तो क्या क्या चीजें लर्न की स्टूडेंट यहां पे आज आप हमने पहली चीज स्टूडेंट वर्डिंग फर्स्ट थिंग इज वर्डिंग वर्डिंग स्टूडेंट आपकी बहुत ही क्या होनी चाहिए यहां पे सही होनी चाहिए वर्डिंग को क्वेश्चन के सेंस को आप जरूर देखोगे यहां सेंस क्या है क्वेश्चन की क्या किस सेंस में वो क्वेश्चन पुट कर रहे हैं है ना प्लीज रीड क्वेश्चन वेरी केयरफुली क्वेश्चन को रीड बहुत ही केयरफुली करना है स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को आपने पढ़ा और बस एक ही बार पढ़ के निकल दिए हमेशा फोकस करो स्टूडेंट की वर्ड के ऊपर की वर्ड्स के ऊपर की वर्ड में क्वेश्चन क्या क्या पूछ क्या रहा है वो ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे हम अभी पढ़ रहे थे चाइना पाकिस्तान का कॉरिडोर के बारे में पूछें और आप बस कॉरिडोर के बारे में लिखते जा रहे हो लिखते जा रहे हो लिखते जा रहे हो लिखते जा रहे हो इतने किलोमीटर का है यहाँ से ये पास हो रहा है चाइना ने इतनी फंडिंग की नहीं उसने इंडिया के सेंस में पूछा इंडिया की सिक्योरिटी के सेंस में क्वेश्चन पुट किया कि इंडिया की सिक्योरिटी को क्या थ्रेट होगा भाई यहाँ से क्वेश्चन है उसने ठीक है तो आप उसी तरीके से आंसर कीजिए क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है वो वैसे उसका आंसर कीजिए अगर उसने शॉर्ट नोट के लिए बोला है तो आप शॉर्ट नोट ही लिखेंगे वहां पे शॉर्ट नोट दूसरी चीज उसने क्या कहा यहां पे क्या कहा उसने यहां पे क्वेश्चंस करने के लिए वो ये बोलता है स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन को जो आपको मेन जो यहां पर ध्यान रखने वाली क्वेश्चन की वर्डिंग की वर्डिंग पे ध्यान देना है ठीक है और आपकी लिमिट पता होनी चाहिए कितने लिमिट में वो क्वेश्चन पूछ रहा है स्टूडेंट वर्ड लिमिट पता होनी चाहिए टेन मार्क्स का क्वेश्चन है फाइव मार्क्स का क्वेश्चन है मार्क्स का क्वेश्चन है और आपके टू हंड्रेड वर्ड में उसने पूछा है हंड्रेड वर्ड में फिफ्टी वर्ड में पूछे क्वेश्चन की आपको वर्ड लिमिट जरूर पता होनी चाहिए प्लीज कीप इन माइंड ऐसा ना हो फिफ्टी वर्ड का क्वेश्चन पुट किया और अभी आप इंट्रोडक्शन ही उसमें फिफ्टी वर्ड में तो आप पूरी इंट्रोडक्शन ही लिख लिखे तो ये सब चीजें कब होंगी जब आप प्रैक्टिस करो मेरा काम है स्टूडेंट क्वेश्चन को समझाना है ना मेरा काम क्या है क्वेश्चन को समझाना और फिर प्रैक्टिस किसने करनी है आपने करनी है प्रैक्टिस है ना प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट तो प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन की जैसे आप यहां पे देखिए एक तो क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन स्टूडेंट आप आराम से लिख सकते हैं उनको आप लिख कर देख सकते हैं राइट और नो कर सकते हैं ना ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए ओके ठीक है जी तो मैं यहाँ पे सेशन कर रही हूँ यहाँ पे ओवर तो स्टूडेंट हमारा न्यू बैच भी स्टार्ट हो चुका है फॉर द पंजाब सिविल सर्विसेज प्लीज़ आप ज्वाइन कीजिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा थैंक यू अ नाइस डे